तहरीर फरमाया कि हिंदुस्तान में बैंक से सूदी कर्ज़ा ले लिया था। उत्तर प्रदेश से सैयद दानिश साहब ने हमें इस काबिल समझा कि इसका जवाब दें, और फिर आपने, आपके कारोबार में नुकसान हुआ, नुकसान पूरा करने के लिए बैंक से सूदी कर्ज़ा ले लिया, और क्या गुनाहगार हुए या नहीं? भैया इस बात को अब छोड़ दें, पाकिस्तान में सूद के अहकाम अलग हैं, इंडिया में अलग हैं, और जितने ममालिक पे काफिरों का तसल्लुत कायम है, यानी उनकी हुकूमत है, खो वह ईसाई हों, यहूदी हों, मुशरिकीन हों, कोई भी हो, उसका हुक्म शरीयत में अलग है और हमारे यहाँ उसका हुक्म अलग है। तो इसलिए आप इस बहस में अब पढ़े ही नहीं। अल्लाह ताला से वैसे भी मुआफ़ी मांगते रहना चाहिए, कुछ मालूम नहीं किससे क्या गुनाह हो जाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छा अमल इंसान के नामे अमल में क्या होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी हुआ है जिसका क़यामत में इस्तिग़फ़ार सबसे ज़्यादा निकलेगा। एक मरतबा फरमाया था, जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पेश करता रहा, सलाम पेश, एक मरतबा ये फरमाया था, बस इन कामों में आदमी लगा रहे और भूल जाए बस जो कुछ भी हुआ है।